जाति संप्रदाय सूचक अश्लील गीतों के खिलाफ एपफ इंसाफ मंच दशम का अभियान पहुंचा विधानसभा। माले विधायक अजीत कुशवाहा ने विधानसभा में इस मामले को उठाकर कार्रवाई की मांग की। जाति संप्रदाय सूचक महिलाओं को अपमानित करने वाले भड़काऊ एवं अश्लील गीतों को बैन एवं गायक पर FIR दर्ज करने को लेकर ताजपुर समस्तीपुर में जारी एपवा इंसाफ मंच दशम एवं माले के आंदोलन की आवाज़ गुरुवार को विधानसभा में गूंजी। विधानसभा सत्र के दौरान यह सवाल माले विधायक अजीत कुशवाहा ने उठाकर सांप्रदायिक भड़काऊ एवं अश्लील गीतों को बैन करने की मांग सरकार से की। उन्होंने सदन में कहा कि जाति और धर्म के नाम पर भोजपुरी समेत अन्य भाषाओं में गीतों में अश्लीलता परोसी जा रही है, इससे सामाजिक सद्भाव खराब हो रहा है। अतः सरकार ऐसे गीतों पर अविलंब प्रतिबंध लगाकर ऐसे गीतों को बनाने और प्रसारित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। विदित मुस्लिम चमार मुनिया मल्ला माली ग्वाला तुरहा आदि समुदाय की बहन बेटी को सुपरहिट एवं झक्कास माल बताकर भोजपुरी गायक अजीत बिहारी ने दो तीन गीतों में अश्लीलता परोसी थी, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा था। इसे लेकर बुधवार को दर्जन भर युवकों ने माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में थाने में लिखित आवेदन दिया था, लेकिन थानेदार ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाकपा माले मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा को वस्तुस्थिति की जानकारी देकर मामले को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए माले विधायक अजीत कुशवाहा ने मामले को सदन में उठाकर कार्रवाई की मांग की। युवा जिला अध्यक्ष वंदना सिंह ने कहा कि महिला संगठन एपवा महिलाओं के सम्मान के प्रति गंभीर है और महिला बहन बेटियों के खिलाफ अश्लीलता किसी भी भाषा में परोसी जाए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद मसले का हल होने की संभावना है। राज्य की नीतीश एवं केंद्र की मोदी सरकार उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं पर हमला करते रहते हैं और सरकार चुप बैठी रहती है। इसे लेकर एपवा का अभियान जारी रहेगा। समस्तीपुर बिहार से अशोक कुमार कूसा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जाति और धर्म के नाम पर भोजपुरी गीतों में अश्लीलता परोसा जा रहा है, जिससे सामाजिक सद्भाव खराब हो रहा है। मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे गीतों पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए तथा इन्हें बनाने वाले और गाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई किया जाए। महिला दलित अकलियत समाज को प्रभावित करने वाले जो अश्लील गाने थे उसके विरुद्ध में हम लोगों ने लगातार ताजपुर से लेकर समस्तीपुर तक एपवा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और यहां के थाना प्रभारी के द्वारा जब केस दर्ज नहीं किया गया तो इस मामले को माले के विधायक कॉमरेड अजीत कुशवाहा ने उसको विधानसभा में उठाया, जिससे ये प्रतीत होता है कि अब इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन जो समाज की व्यवस्था है उस व्यवस्था में लगातार इस प्रकार के गाने आते रहते हैं, जिसका एपवा लगातार विरोध अपने स्तर से करती रहेगी। वंदना सिंह, एपवा जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर।